सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन की जो एप्लीकेशन होती हैं जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होती हैं उन्हें कैसे आप अपने फ़ोन मेमोरी में या फिर एसडी कार्ड में सेव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती हैं लेकिन हमारे मेमोरी में सेव नहीं होती हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर वो बाई चांस किसी वजह से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो हमें वो फिर से डाउनलोड करनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि भविष्य में कभी अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो आप फिर से उसे अपनी मेमोरी में आके उसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। आपको दोबारा डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिर से डाटा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन हो जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन मेमोरी में या फिर अपने एसडी कार्ड में। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो शेयर्ड एप्लीकेशन है जो कि चाइनीज एप्लीकेशन थी, दोस्तों अभी वो हमें प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही है लेकिन जिन लोगों ने पहले से उसे इंस्टॉल कर लिया था उनके फ़ोन में वो काम कर रही है। तो दोस्तों कैसे आप उसे किसी और के फ़ोन में भेज सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ सके कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन हो चाहे वो शेयर्ड हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, जैसे आप यूज़ कर रहे हो लेकिन उसका डाटा आपके फ़ोन में नहीं है, वो एप्लीकेशन आपकी मेमोरी में नहीं है, तो कैसे आप उसे अपने मेमोरी में सेव कर सकते हो और उसे कभी भी आगे चलकर दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर और आपको लाइव दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ऐप एक्सट्रैक्टर। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन आएंगी जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, जिन्हें आप यूज़ कर रहे हो वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो कैसे आप इसे अपनी फ़ोन मेमोरी में सेव कर सकते हो इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को, दोस्तों मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी दिखाता हूँ कोई एप्लीकेशन आपको जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल देखिए ये क्रिकबुज एप्लीकेशन है क्रिकेट वाली, तो आप इसे कैसे अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वो हमारे फ़ोन में वर्क तो करने लगती हैं लेकिन हमारे फ़ोन मेमोरी सेव नहीं होती, ना तो वो हमारे फ़ोन मेमोरी सेव होती हैं ना ही हमारे एसडी कार्ड में सेव होती हैं, वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो हमारे मेमोरी में सेव नहीं होती। तो कैसे हम इन्हें सेव कर सकते हैं, दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन आपको सेव करनी है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर आपको ये वाली दिखाता हूँ क्रिकबुज वाली, तो आपको इस पर फिंगर टच करके रखना है। जैसे ये बॉक्स ये राइट में निशाना जाएगा आपको ऊपर एरो दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों नीचे मैसेज आ रहा है कि जी हमारे फ़ोन में सेव हो चुकी है, यानी कि फ़ोन मेमोरी में जो हमारे में सेव हो चुकी है। तो मैं आपको दूसरी और एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जैसे देखिए आप जैसे दोस्तों देखिए ऐप में व्हाट्सअप है, अब जी आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, अब जी आपको अपने फ़ोन मेमोरी में डाउनलोड करना है। तो कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसे इस पर क्लिक करके रखना है और जैसे ही राइट में निशाना जाएगा आपको ऊपर एरो पर क्लिक कर देना है। तो देखिए नीचे मैसेज आ चुका है कि हमारे फ़ोन मेमोरी में सेव हो चुका है। अब जो दोस्तों कहाँ पे सेव होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बाल निकाल के दिखाता हूँ सीधे मेन पेज पे आके। अब आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है, यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको लोकल फाइल पर आना है, यानी कि जो फ़ोन मेमोरी होती है इसमें दोस्तों आपको डिवाइस स्टोरी में जाना है। अब सबसे ऊपर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्टर ऐप, जी दोस्तों उसी एप्लीकेशन का फोल्डर है जो अभी आपको मैंने बताया था, तो इसे आपको ओपन करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास तीन एप्लीकेशन आ रही हैं, क्योंकि ये तीनों मैंने अभी कुछ देर पहले वहाँ से डाउनलोड की हैं। तो जब आप इसे ओपन इस पर क्लिक करोगे अपने व्हाट्सएप पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे शेयर भी कर सकते हो और इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को किसी के भी फ़ोन में शेयर कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि शेयर इट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कुछ टाइम पहले तक प्ले स्टोर पर थी लेकिन अभी नहीं है,
लेकिन आपने पहले ही वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ली थी। तो दोस्तों वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल तो है लेकिन फ़ोन मेमोरी में नहीं है। लेकिन जब आप किसी और के फ़ोन पर भेजोगे जिसके फ़ोन में शेयर्ड नहीं है तो आप उसे शेयर्ड कैसे दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों ना तो आपके पास उसका डाटा है, सिर्फ वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। तो दोस्तों यही तरीका है कि पहले आप अपने फ़ोन में ऐप एक्सट्रैक्टर नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसको ओपन करके आपको शेयर्ड अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ से शेयर्ड को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने शेयर्ड इस तरह का बन के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको इस शेयर्ड को जिस फ़ोन में आप भेजना चाहते हो उसके फ़ोन में आप ब्लूटूथ के थ्रू उसे शेयर्ड को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ टाइम में ये शेयर्ड ब्लूटूथ के जरिए उसके फ़ोन में शेयर हो जाएगा, सेंड हो जाएगा और वो अपने फ़ोन में उसे ओपन कर सकता है जिसके फ़ोन पे आप भेजना चाहते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप शेयर्ड या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो आप अपने फ़ोन की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन हो उसे आप अपने फ़ोन मेमोरी में सेव कर सकते हो या फिर अपने SD कार्ड में सेव कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।